स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। बाली में अपना दूसरा दिन है। उस दिन आपने देखा होगा मैं बाली में आया, रात को कुछ 11:30 बजे आया। इमिग्रेशन क्लियर करके 2:30 बज गए मुझे। यहाँ के इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत फ्रेंडली है। मैं जब आया था तब उन्होंने मुझे कहा कि आप अकेले आए हो, मैंने बोला हाँ अकेले, क्या पर्पज़ है, मैंने बोला घूमने के लिए, आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, मैंने बोला नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैंने बोला नहीं, तो हंसने लगा। और वो ऑफिसर बोल रहा था ये यहाँ पर सब अपने फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, आप अकेले कैसे आ रहे हैं। मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ और एक्सप्लोर करने आया हूँ बाली को। बोला ठीक है, स्टैम्प लगा के बोला जाइए आप, और बोला कि ना एंजॉय करो आपका वेकेशन यहाँ पर। मैं बात करता हूँ वीज़ा की। वीज़ा यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, वीज़ा ऑन अराइवल या इंडियंस के लिए $33 आपको देने पड़ेंगे। इंडियन करेंसी में अगर देखने जाऊँ तो 2700-2800 होते हैं। 30 डेज़ के लिए होता है ये वीज़ा। ये देखिए, ये ऐसा स्टैंप लगा के देंगे वो। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वीज़ा के लिए, अगर आपको US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर शेंगन वीज़ा चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है या फिर भी दिक्कतें आ रही है, फिर भी हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो वीज़ा के लिए, या फिर मैं ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको मेल कर दीजिए और वीज़ा से जुड़ी जो भी इंक्वायरीज है मैं पूरी कर दूंगा। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे आपको वर्क परमिट वीज़ा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर कमेंट करके बता दो, या फिर मुझे मेल करके ज़रूर बता देना। कल के वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो कल बाली में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि कल मैं गया था उबुद में, मैंने राइस फील्ड मुझे देखना था, वो भी देखने नहीं मिला। फिर मंकी फॉरेस्ट जाना था, वो लेट में पहुंचा, क्योंकि जो मुझे कल मिले थे, जो हमारे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर थे जो बाली में रहते हैं, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, मैं बाली आया हूँ, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया और मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि आप हमें मिले। तो मैंने कल मैं उनको मिलने गया था, मिला मैं उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया उबुद में। तो आज के वीडियो में हम कुटा को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल का भी टूर मैं आपको कराता हूँ, बहुत अच्छा हॉस्टल है ये। बाइक रेंट पे ली है 2 दिन के लिए। हॉस्टल में एक बंदी थी, वो भी मुझ मेरे साथ आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यार जाते हैं। 85,000 इंडोनेशियन रुपीज पर डे रेंट है बाइक का। आपको है ना मनी एक्सचेंज के काउंटर्स बहुत मिलेंगे यहाँ पर। लो भाई कुटा बीच आ गए हैं, अभी आपको कुटा बीच दिखा दो। यहाँ पे लोग है ना सर्फिंग कर रहे हैं और बहुत धूप है, धूप में भी लोग यहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं। भाई पानी क्या क्लीन है यार, आगे थोड़ा देखेंगे ना तो पूरा ग्रीन है पानी। यहाँ पे मसाज भी करवाते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको कुटा बीच दिखाया और यहाँ से अभी दूसरे बीच पे जा रहा हूँ, उसका नाम है सेमियाक बीच। यहाँ से आधा घंटा लगेगा और चलो कोई बात नहीं, बाइक है, बाइक रेंट पे ली है तो दिखाएंगे। चलो भाई, ये मोहतरमा जो गाड़ी चला रही है ना एकदम जबरदस्त चला रही है। वो मुझे बोल रही है कि ना मेरा मत लेना शॉट्स, जितने भी आप अपने ले लो लेकिन मेरा फेस मत दिखाना। मैं बोला ठीक है भाई। लो भाई आ गए सेमियाक बीच पर, अभी दोपहर के बज गए 12:30 और ये बीच अच्छा लग रहा है मुझे, पानी भी साफ है। कुटा बीच में थोड़ा सा गंदगी था पानी में, लेकिन ये साफ है।
और सब लोग फॉरेनर यहाँ पे आए हुए हैं और मज़ा ले रहे हैं पानी का। भाई इस बीच पर है ना शाम को आने का यार मजा आएगा इस बीच पर शाम को आने का। बीच तो देख लिया सेमियांग बीच, बहुत अच्छा बीच है, क्लीन बीच है। ज्यादा वक्त बिताया यहाँ पर, एक घंटा बिताया। अभी निकल रहे हैं, डेढ़ बजे है दोपहर के। अभी नुसा दुआ पेंता ही नुसा दुआ करके बीच है, वहां पे जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद खाना खाएंगे और वापस हॉस्टल में चले जाएंगे, ऐसा तो अभी तो प्लान बना है। बाद का पता नहीं मुझे, बाद में शायद प्लान चेंज हो सकता है। अभी हम लोग नुसा दुआ जा रहे थे तो एक टोल पे रुके हैं। यहाँ पे टोल कितना एक्सपेंसिव है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिस्टम कैसा है टोल का, आपको 100,000 इंडोनेशिया रुपये का एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड लेना है और 5,000 इंडोनेशिया रुपये आपको उनको देना है। और वो कार्ड है ना वन टाइम यूज होगा, उसका मतलब नहीं है आप अगर आप रिटर्न आ रहे हो उसका मतलब नहीं है, वापस आपको 100,000 इंडोनेशिया रुपये का और एक कार्ड लेना पड़ेगा। ये देखो मैं टोल दिखाता हूँ आपको नुसा दुआ बीच जाने के लिए। ये टोल है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हॉस्टल। हॉस्टल जाके फिर कुछ खाना खाएंगे और शाम को एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ओके भाई प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं उबुद। उबुद में कल गया था लेकिन मंकी फॉरेस्ट देखने नहीं मिला, तो अभी हम उबुद जाके मंकी फॉरेस्ट देखेंगे, बाद में खाना खाएंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। मैंने मनी एक्सचेंज किया है, ये देखो। जा रहे थे उबुद तो ऑन द वे एक सुपर मार्केट था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा जूस वगैरह पिया है। बहुत गर्मी है यहाँ पर। टिकट काउंटर जाना है और टिकट काउंटर जाने के बाद अंदर मंकी फॉरेस्ट जाने मिलेगा। तो पहले टिकट काउंटर जाता हूँ और आपको बताता हूँ टिकट कितनी है, क्योंकि कल मैंने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि 85,000 इंडोनेशिया रुपया। अभी देखते हैं कितनी है क्या है। वो तेरी स्टैचू जबरदस्त रखे हुए हैं। ये 80,000 इंडोनेशिया रुपये की है टिकट। अब हम अंदर जाएंगे। बाली में जितने भी मैंने गेट्स देखे ना ऐसे ओपन हुए गेट्स है, ये देखो ऐसे गेट्स है ओपन। ये देखो और एक है यहाँ पे बैठा हुआ है। बस अपने भाई सब सामान संभाल के रखो, बुड्ढा बंदर है ये। इस जंगल में ना बहुत सारे बंदर है, इसकी वजह से ना इसको मंकी फॉरेस्ट बोला गया है। और सेकंड चीज, इसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया ना इन लोगों ने, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। तो चलो अभी हम लोग ने एग्जिट किया है। भाई अभी जा रहे हैं हम लोग गोवा गजार करके उस जगह पर, और यहाँ से कुछ आधे घंटे का है रास्ता, तो वो भी देख लेते हैं क्योंकि अभी शाम के बज गए 4 और आधे घंटे में 5:30 बजे तक देख लेंगे, फिर उसके बाद हॉस्टल चले जाएंगे कुटा। वेलकम टू गोवा गजार।
जी हाँ यार, बाली। फाइनली गोवा गजर टेंपल आया हूँ। पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में बाइक पार्क की है। अब एंट्रेंस करूँगा। यह एंट्रेंस है वेलकम बोर्ड के बाद। यहाँ पे ये छोटे छोटे शॉप्स हैं ऑफिशियल्स, और ये एंट्रेंस टिकट है। एक बंदे की टिकट जो है वो 50,000 इंडोनेशिया रुपी है। यहाँ पे टिकट चेक करेंगे और आपको ऐसा कपड़ा देंगे पहनने के लिए। अगर आपने शॉर्ट्स पहना तो ये कपड़ा आपको देंगे। लेडीज के लिए आपको एक छोटा सा बेल्ट टाइप ऐसा कपड़ा होता है वो देंगे। ये देखो, अभी इन्होंने ना शॉर्ट्स पहना है तो इनको फुल पहनने के लिए बोलेंगे। ये एक साउथ ईस्ट कंट्री में ना बहुत रूल्स को फॉलो किया जाता है। पता नहीं चल रहा है यार क्या है ये। ये देखो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। भाई यहाँ पर है ना तीन टेंपल है, दो बुद्धा के टेंपल है और एक हिंदू का टेंपल है। जो अब मैं वहाँ पे था वो हिंदू का टेंपल था, और नीचे आप जाओगे यहाँ पे बुद्धा के टेंपल है। भाई यहाँ पे है ना, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल से ले लेना, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे गाइड जो आते हैं ना वो आपको 1,00,000 इंडोनेशियन रुपीस चार्ज करेंगे इंफॉर्मेशन देने के। तो मैंने एक गाइड से अभी बात की तो उसने बोला कि है ना आप मुझे 1,00,000 इंडोनेशियन रुपीस दे दो, मैं आपको सब टेंपल्स के बारे में बताता हूँ। बाइक चला रहा था तो ऑन द वे सनूर बीच मिला मुझे। मैंने सोचा कि है ना सनूर बीच चलते हैं, तो अब सनूर बीच जा रहा हूँ। एक्चुअली जाना था हॉस्टल। हम लोग निकले थे कुछ 5 बजे निकले थे, साढ़े 5 बजे निकले थे, और अभी बज गए 7:15। तो सनूर बीच पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, बाद में हॉस्टल चला जाऊंगा मैं। शाम को आती है पब्लिक घूमने के लिए इधर। दोस्तों अभी सनूर बीच देख लिया है। सनूर बीच देखने के बाद मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। अब मेरा किधर भी हॉल्ट होने वाला नहीं है। हॉस्टल यहाँ से एक 20-25 मिनट पे हॉस्टल है। अब हॉस्टल पे जाके फ्रेश होना है, क्योंकि सुबह 10 बजे से घूम रहे हैं हम लोग। फ्रेश होता हूँ और थोड़ा एडिट करने बैठ जाऊँगा। अब कोई फिल्मिंग नहीं होगी, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में। आज का दिन का कैसा वीडियो लगा आपको बताइए मुझे कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू।